पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजनों का पूजन। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा वैद्य विद्यालय को गोदान गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह जी के द्वारा श्री दंडोरा धाम पूज्य गुरु जी के पावन दर्शन कर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा वैद्य विद्यालय को गोदान किया गया एवं गुरुजनों का पूजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह जी के कार्यों की सराहना करते हुए आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात भोपाल में कम्युनिटी हॉल ए सेक्टर शाहपुरा में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुजनों का पूजन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश जी चतुर्वेदी, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह के द्वारा मंच पर गुरुजनों को बैठा कर गुरुजनों का पूजन किया गया। माना जाता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था और वेदव्यास जी ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए आज के दिन लोग अपने गुरुजनों का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जगह जगह गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, जिसमें गुरुजनों का पूजन एवं सम्मान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। संवाददाता ब्रजेश पटेल की रिपोर्ट, बनखेड़ी, आज की आवाज। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। इस पावन पर्व पर जो हमारी सनातनता का प्रतीक है, हमारा भगवा हमारा परम गुरु है, हमने प्रत्यक्ष तौर पर आज किसान मोर्चा की ओर से किसान मेरा गौरव अभियान की शुरुआत करते हुए गुरुजी से उज्जैन के आश्रम में आशीर्वाद लेकर वेद पाठशालाओं में समस्त अध्ययनरत छात्रों से वेद मंत्रों के साथ गौ माता का दान करते हुए और एक नई शुरुआत की है। साथ में भोपाल के हमारे गुरुजनों को एकत्रित करते हुए कम्युनिटी हॉल में हमारे शाहपुरा मंडल में, वहाँ हमारे साथ में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय मुकेश जी भाई साहब और अन्य कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। और इस अवसर पर चूंकि ये हमारी सनातन परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, हमारे समर्पण का उत्सव है, और उस समर्पण जो हम गुरु के चरणों में दे रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि भारत माता को और हमारी खेती को हम फिर से उच्चतम स्तर पर लाकर और इसको विश्व गुरु के पद पर आसन करें, क्योंकि सात समुद्र की मसी करी लेखन सब बन राय, यह धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु से बड़ा दुनिया में परमेश्वर से भी ऊपर हमारी परंपरा में गुरु को माना है। आज का दिन और हमारा जीवन उनके लिए समर्पित है और गुरु के चरणों में नमन वंदन करते हुए मैं चाहता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश भी हले।